गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट में लास्ट लेक्चर में कंसेप्ट क्लियर किया था एरिया ऑफ ट्रायंगल। एंड नाउ टुडे वी स्टार्ट द न्यू कंसेप्ट माइनर एंड कोफैक्टर्स। स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी कंसेप्ट है, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं व्हाट इज माइनर। तो माइनर की डेफिनेशन ऐसी है कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट्स ऑफ ए आई जे ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन बाय द डिलीटिंग आई थ्रो एंड जेथ कॉलम इन विच एलिमेंट ए आई जे। सपोज स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखें 2x2 के एक एग्जाम्पल लेकर हम सॉल्व करते हैं। तो एक एग्जाम्पल है हमारे पास, सपोज 2, 3, -1, 6। तो ए आई जे मीन्स एलिमेंट, स्मॉल ए आई जे दैट इज कॉल्ड द एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट है तो उसके जो प्लेस है ये है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पर। तो A11 क्या होगा, तो 2 होगा यहाँ पर। ओके, तो आप देख सकते हो A11 इज 2, A12 इज इक्वल टू 3, A21 इज इक्वल टू -1 एंड A22 इज इक्वल टू 6। तो स्टूडेंट्स, ये सब एलिमेंट्स है, कोई भी एलिमेंट्स की डिस्कस करें, सपोज मैं ये A11 की डिस्कस कर रहा हूँ, तो वो एलिमेंट जिस रो और कॉलम में है तो वो आपको डिलीट कर देनी है। तो रिमेनिंग जो भी आपको एलिमेंट्स दिखे उसको वो पोजीशन में डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखोगे, यानी ओनली फॉर 1 है, यानी डिटरमिनेंट ऑफ 6 दैट इज 6। तो यानी A11 दैट इज 2, माइनर ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 6। ओके, नाउ अगर हम स्टूडेंट्स देखो बात करें हम 6 की, तो माइनर ऑफ 6 तो ये कॉलम एंड रो कैंसिल हो जाएगा इज 2, तो 2 का माइनर 6 होगा और 6 का माइनर क्या होगा, 2 होगा। सेम सिचुएशन स्टूडेंट्स आपको चेक करनी है 3, तो 3 का माइनर होगा -1 और -1 का होगा 3। ऐसे आपको क्रॉस में ऐसा चेक नहीं करना है स्टूडेंट्स, वो जो प्लेस पर है तो उसका रो एंड कॉलम आपको निगलेक्ट करनी है, और वो जो आपको डिटर्मिनेंट मिले और उसका एक्सपांशन दैट इज कॉल्ड द माइनर। अगर स्टूडेंट्स हम यहाँ पर A11 मैंने लिखा तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, और माइनर इज डिनोटेड बाय द एम आई जे दैट इज M11 क्या होगा, तो 2 का माइनर होगा 6। सेम हियर M12 तो 3 का होगा -1, M21 -1 का होगा 3, M21 यानी 3, और M22 तो 6 का माइनर होगा 2। तो इस तरह से हम स्टूडेंट्स फाइंड कर सकते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, ये 2x2 का एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन किया, 3x3 बाद में करते हैं, साथ में हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। डेफिनेशन 2 इज डेफिनेशन ऑफ कोफैक्टर। तो कोफैक्टर क्या होगा, तो आपने यहाँ पर ये सब एलिमेंट्स है स्मॉल ए और ये सब माइनर हुए, उसके माइनर यानी रो एंड कॉलम निगलेक्ट करने से जो डिटर्मिनेंट मिलता है उसका एक्सपांशन दैट इज कॉल्ड द माइनर। और कोफैक्टर मींस एलिमेंट्स ऑफ ए आई जे is denoted by the capital Aij. Capital Aij is cofactor defined by the Aij. Okay, Aij से हम denote करेंगे उसको, तो जैसे आपको मालूम है capital A11 क्या होगा, तो कि जो M11 है okay, उसके आगे एक साइन लिखनी है -i+j, यानी जिस रो और कॉलम में उसका एडिशन यानी 1+1 लिखना है, और आप सब देख सकते हो माइनस का 2 पावर यानी पॉजिटिव यानी M11 ही मिलेगा। व्हाट इज द M11? M11 6 था, तो यहाँ पर आपको कोफैक्टर भी क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। अदरवाइज स्टूडेंट्स आपको मालूम है ये आपको साइन फोकस करनी है +, -, -, +। ओके, तो इंसर्ट आपको ये साइन ऑलरेडी मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दिया था प्लेस पर जो है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये प्लेस का जो एड्रेस है तो वो देखेंगे तो A21 है, तो 2 एंड 1, 3, तो -1 का 3 पावर तो ऑड आने वाला है। ओके, और यहाँ पर A22 यानी 4 होगा, इवन पावर तो पॉजिटिव आने वाला है। तो इनसोर्ट ये साइन आगे आप लोग आपको लिख देनी किस में, तो जब हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे तो जो माइनर मिला था -1 मिला, चलो A12 का जो माइनर था वो ओके, उसके आगे बस खाली साइन लिखनी है माइनस दैट इज 1। ओके, नाउ नेक्स्ट अब हम बात करेंगे A21, तो माइनर था यहाँ पर 3, उसके आगे साइन लिखनी है माइनस के -3, और A22 ऑलरेडी आपके पास है 2, तो उसके आगे साइन लिखनी है प्लस। ओके, ये प्लेस की साइन आपके पास है प्लस, तो ये होगा 2। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप माइनर और कोफैक्टर फाइंड कर सकते हो। ये क्वेश्चन 1 और 2 मार्क्स में आ सकता है। 2 मार्क्स में आया तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, 1 मार्क्स में पर्टिकुलर कोई एलिमेंट है, ये एलिमेंट्स का आपको माइनर, तो माइनर हुआ -1, और कोफैक्टर तो -1 के आगे साइन माइनस लिखनी है यानी +1। तो इस तरह से 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकते हैं।
देखो स्टूडेंट्स, एक 3x3 के रिलेटेड एग्जांपल लेते हैं। तो सपोज 3x3 एक डिटरमिनेंट है आपके पास 2, 1, 5, 2, 0, 1, -4, 1, 2। ओके, आपके पास यहाँ पर एक ओके मैं यहाँ पर वो चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 2 2 कॉमन हो जाएंगे। ओके, इसीलिए चलो अब यहाँ पर आपको फाइंड करना है सबसे पहले तो M23, वेर इज द M23, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, दिस इज द M23। तो इसका माइनर, तो ये कॉलम और रो निगलेक्ट करनी है। ओके, तो आपको जो डिटरमिनेंट दिखेगा दैट इज द 2, 1, -4, 1। तो एक्सपांड करो 2 -4, वी गेट 6। तो ये हो गया स्टूडेंट्स इसका माइनर। अब इसका कोफिशियंट क्या होगा, दैट इज द A23। तो ये जो है उसके आगे साइन लिखनी है, तो साइन क्या होगी आपको मालूम है, इसकी साइन +, -+, -+, -+, +, -+। इंसर्ट, स्टूडेंट्स आपको मालूम है यहाँ पर कि ये जो डायमंड से पैसा दिख रहा है, इसी जगह पर आपको साइन चेंज करनी है, तो ये माइनस आएगा यानी -6। तो इस तरह से आपको माइनर और कोफैक्टर भी मिल जाएंगे। इंसर्ट 3x3 में आपके पास 9 एलिमेंट्स है, तो 9 एलिमेंट्स से सबके आपको माइनर और कोफैक्टर फाइंड कर सकते हो, या पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन का भी आपको आ सकता है। सपोज मैं यहाँ पे कोई दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखो सपोज M31, तो वेर इज द M31, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ये रहा, तो इसका डिटरमिनेंट क्या मिलेगा, 1501। ओके, तो वैल्यू मिलेगी 1 -0, दैट इज 1। तो ये होगा इसका माइनर, और कोफैक्टर क्या होगा A31, तो इसके आगे आपको साइन लिखनी है, तो ये प्लेस की साइन आपको मालूम है प्लस है। ओके, तो आपको 1 लिखना है। इनसोट ये चार प्लेस पर जो वैल्यू उसकी हम फाइंड करेंगे तब हमको साइन चेंज करनी है, बाकी साइन एज इट इज रहेगी। ओके, तो स्टूडेंट्स ये कंसेप्ट के रिलेटेड आपको एक्सरसाइज 4.4 सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4। हियर क्वेश्चन इज, राइट द माइनर एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। माइनर एंड कोफैक्टर सभी लिखना है। तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो कंपोनेंट्स क्या होगा, तो A11 एलिमेंट्स है उसको स्मॉल से डिनोट करेंगे, कैपिटल M से माइनर और कैपिटल A से कोफैक्टर। तो A12 इज -4, A21 इज 0 एंड A22 इज इक्वल्स टू 3। तो ये कंपोनेंट्स हुआ स्टूडेंट्स। अब हमको माइनर फाइंड करना है, तो M11 क्या होगा यानी माइनर ऑफ 2, इसका मतलब क्या हुआ, M11 मींस माइनर ऑफ 2, ऐसा भी आप लिख सकते हो। ओके, माइनर ऑफ 2, तो क्या होगा आंसर 3। नेक्स्ट पॉइंट M12 यानी माइनर ऑफ -4, तो -4 का माइनर ये 0 होगा। ओके, तो नाउ हियर 0। नेक्स्ट M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनर ऑफ 0 इज इक्वल्स टू -4 एंड M22 दैट इज माइनर ऑफ 3 मींस 2। तो ये इस तरह से आप माइनर फाइंड कर सकते हैं। अब देखो हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे, दैट इज A11। ओके, तो A11 मींस कोफैक्टर ऑफ 2। तो कोफैक्टर मींस क्या होता है, आपको जो माइनर है, ओके ये माइनर है हमारा M11, इसके आगे साइन लिखनी है। तो क्या आएगी साइन, साइन आपको स्टूडेंट्स मालूम है यहाँ पर +, -, -, +, तो वो प्लेस की आपको साइन लिखनी है, यहाँ पर प्लस आएगा। ओके, तो आंसर आपको मिलेगा यहाँ पर +3, वी गेट 3। अब आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, व्हाट इज द A12, तो आपके आंसर 0, बट A12 प्लेस की साइन -0, दैट इज 0। A21 इट्स आंसर इज -4, M21 आगे साइन लिखनी है, ये वाली साइन ये प्लेस की माइनस, दैट इज +4 आंसर मिलेगा। एंड A22 प्लस साइन एंड हियर 2 मींस आपको आंसर मिलेगा 2। स्टूडेंट्स ये हो गया आपका माइनर एंड कोफैक्टर। सेम क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स आपको सेल्फ ट्राई करना है, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है ABCD, तो A का माइनर होगा D और B का माइनर होगा A, C का माइनर होगा B और B का माइनर होगा C, तो यानी एक दूसरे के ऐसे माइनर्स आपको मिल जाएंगे। अब कोफैक्टर के लिए ये साइन आपको फोकस करना है। ओके, तो वो साइन लिख दोगे तो आपको कोफैक्टर मिल जाएगा। स्टूडेंट्स ये था 2x2 यानी 2x2 में आपके पास 4 एलिमेंट्स है। ओके, तो 4 टाइम्स ही आपको सॉल्व करना है, बट अगर ये क्वेश्चन 3x3 है, माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड करना है, तो टोटल आपको 9 कंपोनेंट्स जो है, 9 एलिमेंट्स
सबके सेपरेटली आपको माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड करना है। सेकेंड थिंग आप यहाँ पे लिखोगे माइनर ऑफ वन, माइनर ऑफ जीरो, माइनर ऑफ जीरो, तो स्टूडेंट्स ये सब सेम होगा, इसीलिए हम इसको डिनोट करेंगे उसके एड्रेस से, यानी M11, M12 ऐसे डिनोट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द M11? तो M11 मींस ये रो एंड कॉलम कैंसल। तो आपको जो डिटर्मिनेंट मिला, देखो स्टूडेंट्स 1001, उसकी वैल्यू लिखनी है, दैट इज वन, तो ये हो गया वन। फिर नेक्स्ट M12, यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो ये कट हो जाएगा। ओके, तो आपको रिमेनिंग टर्म्स मिलेंगे यहाँ पर 0001, मीन्स आंसर 0। नेक्स्ट स्टेप M13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये प्लेस हुआ। ओके, तो ये हम कट कर देंगे। ओके, तो आपको यहाँ पर मिलेगा 0100, और उसकी वैल्यू आपको मिलेगी 0। तो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट रो में जो कंपोनेंट है उसके हमने फाइंड कर दिए यहाँ पर कोफैक्टर। नाउ नेक्स्ट सेकंड पॉइंट M21, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये रहा हमारे पास। कॉलम एंड रो निगलेक्ट करो, जो दिख रहा है उसका आपको डिटरमिनेंट लिखना है, तो होगा आपके पास यहाँ पे 0001 एंड इट्स वैल्यू इज 0। सेम हियर M22 में आपको मिलेगा 1001, इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 1। एंड नाउ M23 यानी सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो ये पॉइंट कॉलम एंड रो निगलेक्ट करो, 1000 मिला आपको, 1000 एंड इट्स वैल्यू इज 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपको फर्स्ट एंड सेकेंड रो के माइनर मिले, सेम थर्ड रो M31 यानी ये 0, ये कॉलम एंड रो कैंसल हो जाएगा, 0010 आपको आंसर मिला 0। एंड नाउ M32 क्या होगा, देखो स्टूडेंट्स M32, तो ये प्लेस कॉलम एंड रो निगलेक्ट, 1000 एंड इट्स वैल्यू इज 0। एंड लास्ट प्लेस M33, तो 1001 आपको डिटरमिनेंट मिलेगा, ये कैंसल हो जाएगा। ओके, तो वी गेट वैल्यू इज 1। तो स्टूडेंट्स ये हुआ यहाँ पर कोफैक्टर माइनर, तो सभी कंपोनेंट्स के आपने क्या फाइंड कर दिए, माइनर फाइंड कर दिए। अब देखो स्टूडेंट्स हम फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर इसके कोफैक्टर, एंड कोफैक्टर इज डिनोटेड बाय द कैपिटल A11। तो इनशॉर्ट स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं एक साइन लिख रहा हूँ, आपको मालूम है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ओके, एंड प्लस माइनस प्लस। इन शॉर्ट आप क्या करोगे यहाँ पर कि ये जो प्लेस है उसकी जब वैल्यूज लिखेंगे तो उस वक्त साइन चेंज करके हम लिखेंगे। ओके, तो देखो A11, तो उसका आंसर क्या होगा, प्लस वन, आगे साइन क्या आएगी स्टूडेंट्स, पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पर प्लस वन, वी गेट वन। फिर A12, तो उसमें माइनस जीरो, दैट इज जीरो। A13 मीन्स जीरो है, तो उसके आगे प्लस साइन, मीन्स आंसर जीरो। तो इस तरह से आपको कोफैक्टर भी मिल गए। नाउ M21 का आंसर जीरो है। ओके, तो उसमें उसकी साइन आप देख सकते हो नेगेटिव, माइनस जीरो, बट जीरो लिख सकते हो। M22, ओके, साइन प्लस आएगी और वन, मीन्स वन। एंड नाउ M23, साइन इज नेगेटिव एंड जीरो, इसीलिए आंसर जीरो। नाउ नेक्स्ट, ओके, कैपिटल आएगा यहाँ पर, हम यहाँ पर चेंज कर देते कैपिटल। ओके, तो ये सब कैपिटल है, यानी कोफैक्टर्स है इसीलिए। ओके, तो देखो कैपिटल A21, कैपिटल A22 एंड कैपिटल A23। नेक्स्ट पॉइंट कैपिटल A31 एंड कैपिटल A32 एंड A33। स्टूडेंट्स आपको वही साइन लिखनी है, देखो 0 0 एंड 1 वो लिख दिया, बट साइन लिखनी है A31 में प्लस, यहाँ पर माइनस। ओके, और लास्ट में वापस प्लस, मीन्स आंसर आएगा 0 0 एंड 1। तो ये आपका आंसर होगा स्टूडेंट्स, माइनर एंड कोफैक्टर सभी कंपोनेंट्स का आपको मिल गए। पर्टिकुलर इन दिस क्वेश्चंस स्टूडेंट्स ऑल द एलिमेंट्स आर मैक्सिमम टाइम 0 एंड 1, तो इसीलिए आंसर भी आपको 0 एंड 1 के फॉर्म में मिला, बट ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स सेम, तो अब यहाँ पर सब नंबर्स चेंज हो गए, तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट M11 फाइंड करेंगे। ओके, तो M11 क्या होगा, रो एंड कॉलम कैंसल, तो आप डायरेक्ट भी वैल्यूज भी लिख सकते हो। ओके, तो 5 माइनस 1 एंड 1 2,
फाइव माइनस वन वन टू, तो फाइव टू जा टेन, टेन माइनस माइनस वन दैट इज प्लस वन, वी गेट इलेवन। फिर एम वन टू, तो ये रो एंड कॉलम कैंसल, सिक्स माइनस जीरो दैट इज सिक्स, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ओके चलो नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पर आपको फाइंड करना है एम वन थ्री, आप देख सकते हो ये एम वन थ्री यानी रो एंड कॉलम कैंसल, थ्री माइनस जीरो दैट इज थ्री। तो ये स्टूडेंट्स हो गए आपका यहाँ पर फर्स्ट रो के एलिमेंट जो है उसके माइनर। सेकेंड पॉइंट एम टू वन, तो ये फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम कैंसल, जीरो माइनस फोर दैट इज माइनस फोर। ओके तो यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस फोर। वॉट इज द एम टू टू, दैट इज टू माइनस जीरो मीन्स टू। एम टू थ्री, तो सेम पैटर्न से आपको एम टू थ्री मिलेगा यहाँ पर वन, देख सकते हो आप रो एंड कॉलम कैंसल, वन माइनस जीरो दैट इज वन। नेक्स्ट लास्ट थर्ड रो एम थ्री वन, एम थ्री टू एंड एम थ्री थ्री। एम थ्री वन क्या होगा, तो ये आपको रो एंड कॉलम कैंसिल करना है, जीरो माइनस ट्वेंटी वी गेट माइनस ट्वेंटी। थ्री टू में देखे तो कॉलम एंड रो कैंसल, माइनस वन माइनस ट्वेल्व वी गेट माइनस थर्टीन। एंड लास्ट एलिमेंट हियर फाइव माइनस जीरो दैट इज फाइव। तो देखो स्टूडेंट्स ये सब मिल गया आपको माइनर। बट अब को फैक्टर फाइंड करना है तो कैपिटल से हम डिनोट करते ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री। ओके नाउ अब सेकेंड रो के कॉम्पोनेंट जो होंगे ओके को फैक्टर वो ए टू वन ए टू टू एंड ए टू थ्री, और थर्ड रो के जो होंगे वो ए थ्री वन ए थ्री टू एंड ए थ्री थ्री। स्टूडेंट्स आंसर तो माइनर का जो है वही आने वाला है, बस खाली आपको साइन चेंज करनी है। ओके तो ए वन वन में प्लेस साइन पहले वाली थी यानी साइन चेंज नहीं होगी यानी इलेवन। ओके तो देखो यहाँ पर होगा इलेवन, सेकेंड में चेंज होगी यानी माइनस, फिर प्लस आएगा यहाँ पर तो एज इट इज। ओके ए टू वन में साइन चेंज होगी यानी माइनस ऑफ माइनस फोर वी गेट फोर। नाउ ए टू टू में नो चेंज दैट इज टू, ए टू थ्री में चेंज होगा माइनस वन, ए थ्री वन नो चेंज दैट इज माइनस ट्वेंटी, ए थ्री टू चेंज होगा माइनस ऑफ माइनस थर्टीन दैट इज थर्टीन, और लास्ट में फाइव। इन शॉर्ट आपको मालूम है कि इसमें मिडल, इसमें ये दो और लास्ट में मिडल, ये चार जो एलिमेंट्स है इसके ही खाली साइन चेंज होने वाला है। तो ये स्टूडेंट्स हो गए आपका माइनर एंड को फैक्टर। नाउ सर को फैक्टर निकालना फिर से सिखाओ। अच्छा तू लेट ज्वाइन हुआ ना? हाँ यस सर, वो ये मेजर तो आ गया समझ में, खाली को फैक्टर नहीं आया थोड़ा। ओके चलो माइनर क्या होता है मैं दोनों एक्सप्लेन कर देता हूँ। माइनर कैसे फाइंड करेंगे, कोई भी कंपोनेंट ले लो, सपोज ये लिया मैंने, तो माइनर फाइंड करना है तो वो रो एंड कॉलम को निगलेक्ट करना है, डिलीट कर देना है, तो आपको एक टू क्रॉस टू टाइप का डिटर्मिनेंट मिला, उसका एक्सपांसन दैट इज द माइनर। ओके तो ये हो गया माइनर। अब को फैक्टर हम कैसे फाइंड करेंगे, तो को फैक्टर फाइंड करना है तो वो जो ए वन वन मेरे को फाइंड करना है, तो जो एम वन वन तो है ही, उसके आगे मल्टी करना है। क्या मल्टी करना है, माइनस वन रेस टू, ये जो एम वन वन एड्रेस है ना, वन प्लस वन। ओके यहाँ पर ए आई जे है तो आई प्लस जे यानी वन प्लस वन टू, माइनस वन का स्क्वायर प्लस साइन हुई। ओके तो वो प्लस साइन अप्लाई करनी है। अब देखो स्टूडेंट्स ए वन टू की डिस्कशन करें तो माइनस वन रेस टू वन प्लस टू मल्टी होगा किसको, माइनर के साथ ये मल्टी होगा, तो इसका माइनर सिक्स था तो हम यहाँ पर सिक्स लिखेंगे, माइनस वन क्यूब इज माइनस वन वी गेट माइनस सिक्स। ओके तो इस तरह से स्टूडेंट्स वहां पर साइन चेंज होती है। ओके बट आपको क्या करना है, तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने ऑलरेडी आपको साइन एक्सप्लेन कर दिया था कैसे कि ये प्लेस जो है उसकी साइन आपको मालूम है ये वाली। ओके तो ये प्लेस की जो साइन है उसको हम फोकस करेंगे। तो इनसॉर्ट देखो स्टूडेंट्स की यहाँ पर ये जो प्लेस है ओके ये इस प्लेस की जब हम डिस्कस करेंगे डायमंड शेप में है तो वो प्लेस के ही आगे साइन चेंज होने वाली है, बाकी कहीं पे भी नहीं होने वाली। तो ये प्लेस है ए वन टू, ये ए टू वन, ये ए टू थ्री और ये ए थ्री टू। तो ये चार प्लेस की वैल्यू की साइन बस चेंज करनी है, बाकी किसी की चेंज होने वाली नहीं है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री।
यूजिंग द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड रो एंड इवेल्यूट डेल्टा. अभी हमने माइनर तो फाइंड किया, कोफैक्टर भी फाइंड किया, माइनर आ गया, कोफैक्टर आ गया, अब इसको इवेल्यूट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है सेकेंड रो से, तो सेकेंड रो से एक्सपांशन आता ही हमको, सॉल्व कर दो. बट स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा है यूजिंग द कोफैक्टर एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड रो. ओके तो चलो सबसे पहले सेकेंड रो के कोफैक्टर फाइंड करते हैं. ओके चलो तो सेकेंड रो के जो कोफैक्टर है वो होगा ए टू वन. ओके तो ए टू वन यानी ये कैंसल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर 3 8 2 3, यानी आंसर मिलेगा 9 - 16, वी गेट -7. अब नेक्स्ट ए टू टू फाइंड करेंगे, ए टू टू यानी ये कॉलम और ये रो कैंसल होगा. ओके तो 5 8 1 3, 5 8 1 3, 5 3 15 -8, वी गेट 7. ये मैं को फैक्टर फाइंड कर रहा हूं यहाँ पर. अब इसके आगे आपको साइन चेंज करनी है. ओके पहले हमको माइनर फाइंड करना पड़ेगा और माइनर से हम यहाँ पर आगे साइन चेंज करते हैं. तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर ए टू वन फाइंड करें पर उसके आगे आपको साइन चेंज करनी होगी. तो पहले मैं यहाँ पर माइनर में कन्वर्ट कर देता हूँ इसको. ओके चलो तो माइनर कन्वर्ट कर रहे हैं, पहले माइनर फाइंड कर रहे हैं. ओके और फिर एम टू थ्री, तो क्या होगा एम टू थ्री, तो ये प्लेस कॉलम एंड रो कैंसल, 5 3 1 2, 5 2 10 -3, वी गेट 7. स्टूडेंट्स ये तो हुआ माइनर. ओके आपको फाइंड क्या करना था, फाइंड करना है आपको कोफैक्टर. तो यहां से ए टू वन क्या होगा, क्योंकि ये प्लेस की साइन नेगेटिव, प्लस और नेगेटिव, तो इसके हिसाब से चेंज कर दो. ओके तो माइनस ऑफ -7, वी गेट +7. ए टू टू क्या होगा, इसके आगे प्लस साइन रहेगी, वी गेट 7 मीन 7. और ए टू थ्री में साइन चेंज होती है माइनस ऑफ 7, दैट इज -7. तो तीनों आपको यहाँ पर कोफैक्टर मिल गए, ए कैपिटल ए मीन्स कोफैक्टर. अब स्टूडेंट्स कोफैक्टर मिल गया उसका मतलब के डिटरमिनेंट्स की वैल्यू नहीं मिली आपको, ये जो कोफैक्टर है ना, तो ये जो मिला उसके साथ ये स्मॉल ए आई जे मल्टी करना है. अब देखो मैं यहाँ पे प्रॉपर डिटरमिनेंट्स की फॉर्मूला लिख रहा हूँ, डिटरमिनेंट्स को एक्सपांशन जो करते हैं उसकी फॉर्मूला. तो डेल्टा का एक्सपांशन क्या होगा, सेकेंड रो से करना है, तो ये ए टू वन एलिमेंट है उसके साथ उसका कोफैक्टर मल्टी करना है, प्लस ए टू टू के साथ कैपिटल ए टू टू मल्टी करेंगे, और स्मॉल ए टू थ्री जो एलिमेंट्स है उसके साथ उसका कोफैक्टर मल्टी करेंगे तो आपको वैल्यूज मिलती है. तो देखो यहाँ पे हम टू, तो फर्स्ट क्या लिखेंगे टू, तो उसका कोफैक्टर क्या है ऑलरेडी आपने फाइंड कर दिया 7. ए टू टू यानी 0, उसके साथ उसका कोफैक्टर मल्टी. ए टू थ्री यानी ये कॉम्पोनेंट्स लेना है 1, उसके साथ मल्टी करना है -7. नाउ 14 + 0 - 7, वी गेट 7, यानी आपको एक्सपांशन यहाँ पर मिला डेल्टा. आप डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हो. तो आप जब फाइंड करोगे तो पहले क्या लिखते हो टू, ये स्टेप्स डायरेक्ट लिखते हो. ऑलरेडी मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको ये कैसे लिखना है वो सिखाया, ये कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था उस वक्त. ओके तो देखो टू लिखा. ओके टू के बाद डायरेक्ट क्या आएगा मल्टी, तो 9 - 16. ओके 9 - 16 यानी -7, और इसकी साइन हम लिखते हैं माइनस यानी +7. तो इसी तरह से हम सॉल्व करते थे, ऑलरेडी हमको आता ही है, बट प्रॉपर मेथड से अभी हमने सॉल्व किया हुआ है. तो इस तरह से आपको कोफैक्टर मिल जाएंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूजिंग द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड कॉलम. ओके थर्ड कॉलम से इसको एक्सपांशन करना है. तो स्टूडेंट्स थर्ड कॉलम से, अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम में ये प्लस माइनस और प्लस साइन ऐसे आएगी. तो ये प्लस जब 1 होगा तो उस, ओके फॉर्मूला लिख दे सबसे पहले. तो ए थ्री पहले एलिमेंट्स लिखेंगे, स्मॉल ए थ्री वन उसके साथ कैपिटल ए थ्री वन मल्टी, ए थ्री टू के साथ कैपिटल ए थ्री टू मल्टी, और स्मॉल ए थ्री थ्री के साथ कैपिटल ए थ्री थ्री मल्टी होगा. तो देखो स्टूडेंट्स ए थ्री वन उसकी वैल्यू 1, ब्रैकेट में क्या आएगा ये कैंसिल कर देते हैं. ओके और उसके साथ मल्टी कौन होगा यहाँ पर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे. ओके तो यहाँ पर आप लिख सकते हो डायरेक्ट ए क्या होगा स्टूडेंट्स, एक्स एक्स स्क्वायर जेड. ओके यहाँ पर अगर हमको सेपरेटली फाइंड नहीं करना है तो हम इसका आंसर भी वहां पर लिख सकते हैं डायरेक्ट. ओके तो क्या मिलेगा देखो स्टूडेंट्स, ए जेड एक्स स्क्वायर
वन लिया, थर्ड कॉलम से करना है स्टूडेंट्स, सॉरी थर्ड कॉलम से करना है, तो यहां पर मैंने थर्ड रो से लिखा हुआ है तो चेंज कर देते थर्ड कॉलम से। ओके, तो फर्स्ट यहां पर ये जो कंपोनेंट्स होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, ए वन थ्री होगा थर्ड कॉलम से, कैपिटल ए वन थ्री। नाउ ए टू थ्री, तो कैपिटल ए टू थ्री एंड ए थ्री थ्री, दैट इज कैपिटल ए थ्री थ्री। ओके, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, यानी थर्ड कॉलम से हम एक्सपांसन कर रहे हैं। और थर्ड कॉलम में पहले क्या लिखा है देखो, वाई जेड, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, ये कैंसल हो जाएगा, जेड माइनस वाई। ओके, जेड माइनस वाई, वॉट इज द ए टू थ्री, तो ए टू थ्री यानी इसकी साइन आपको माइनस लिखनी है, तो मैं यहाँ पर माइनस लिख देता हूँ, माइनस जेड एक्स, और यहाँ पर ये कैंसल हो जाएगा, जेड माइनस एक्स। ओके, जेड माइनस एक्स प्लस ए थ्री थ्री यानी पॉजिटिव एक्स वाई, और यहां पर मिलेगा वाई माइनस एक्स। प्रॉपर्टी से कर सकते हो स्टूडेंट्स, कॉलम में वन 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 है, दो जगह पर जीरो करके फैक्टर कॉमन निकाल के एक्सपांसन कर सकते हो, बट आपको यहाँ पे बोला है कोफैक्टर थर्ड कॉलम से, तो मैंने एक्सपांसन कर दिया। अब मल्टी करो अंदर, वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस जेड स्क्वायर एक्स प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम टर्म्स अरेंज करते देखो, तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर जेड स्क्वायर वाले दो टर्म्स है, तो दोनों को साथ में लिखते हैं। ओके, फिर यहाँ पर जेड वाले टर्म्स, ओके, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म साथ में लिखेंगे, और लास्ट में जो दोनों टर्म्स है वो साथ में। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर होगा वाई जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। तो फर्स्ट टू में से देखो जेड स्क्वायर कॉमन, वी गेट वाई माइनस एक्स। सेकेंड दोनों टर्म में से माइनस जेड कॉमन, यानी साइन चेंज, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लास्ट टू थ्री टर्म्स जो लास्ट टू है उसमें एक्स वाई कॉमन, दैट इज द वाई माइनस एक्स। मिडिल में देखो यहाँ पे इसके दो फैक्टर निकल सकते हैं, वाई प्लस एक्स एंड वाई माइनस एक्स। तो वाई माइनस एक्स सभी टर्म में कॉमन निकाल दो, रिमेनिंग टर्म जेड स्क्वायर माइनस जेड इन टू वाई प्लस एक्स रिमेनिंग एज इट इज प्लस एक्स वाई। नाउ नेक्स्ट वाई माइनस एक्स एज इट इज, जेड स्क्वायर माइनस जेड वाई माइनस जेड एक्स प्लस एक्स वाई। नेक्स्ट है वाई माइनस एक्स एज इट इज, नेक्स्ट यहाँ पे जेड कॉमन निकालोगे तो रिमेनिंग टर्म्स रहेगा जेड माइनस वाई, यहाँ से आप एक्स कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा जेड माइनस वाई। तो हम यहाँ पे दोनों टर्म में से कॉमन निकाल देते हैं, तो देखो जेड कॉमन दैट इज जेड माइनस वाई माइनस एक्स कॉमन दैट इज जेड माइनस वाई। ब्रैकेट में दोनों टर्म सेम है, तो फर्स्ट वाई माइनस एक्स, सेकेंड जेड माइनस वाई। ओके, और रिमेनिंग क्या रहेगा, जेड माइनस एक्स। तो ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। अभी भी और भी अच्छे से पैटर्न में लिखना है तो आप यहाँ पर जेड माइनस वाई है वहां पर एक्स माइनस वाई भी, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स में कन्वर्ट कर रहे। देखो माइनस कॉमन निकाल दू तो एक्स माइनस वाई, ओके वाई माइनस जेड वापिस मैंने चेंज किया तो वापिस प्लस हो गया, और जेड माइनस एक्स एज इट इज यानी दो टर्म को मैंने चेंज किया। ओके, यानी वापिस प्लस हो गया, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। ऑलरेडी थियोरिटिकल तो हमने यहाँ पे सॉल्व किया कोफैक्टर से, बट अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा ना होता प्रॉपर्टी मेथड से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट कॉलम में ऑलरेडी वन 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 है, दो जगह पर इजीली जीरो कर सकते हो। ओके, तो बहुत इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव स्टूडेंट्स, अभी जो मैंने कोफैक्टर से आपको एक्सपांसन करके डिटरमिनेंट्स की वैल्यू फाइंड करना है, तो आपको मालूम है जो मैंने फॉर्मूला लिखी, कोई भी रो या कोई भी कॉलम से लिख सकते हो, बट आपको यहाँ पे चेक करो जब मैंने ये लिखा तो सब में ये वन थ्री, ओके यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ देखो, तो ये वन थ्री, तो ये वन थ्री ही होना चाहिए, उसका ही कोफैक्टर होना चाहिए, ये कॉम्पोनेंट है तो उसी का कोफैक्टर होना चाहिए। ओके, तो आपके कोई भी एक्सपांसन कोई भी सिक्स टाइप से कर सकते हो, कोई भी रो या कोई भी मेथड से। तो ऑप्शन देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर वन वन है तो यहाँ पे थ्री वन है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया, वन वन तो वन वन सही है, वन टू तो टू वन है, ये नहीं चलेगा, यानी बी ऑप्शन भी कैंसिल हो गया क्योंकि इसकी फॉर्मूला ही रॉन्ग हुई। ओके, जो कॉम्पोनेंट है उसके साथ उसी का कोफैक्टर मल्टी होना चाहिए।
ओके नाउ ए टू वन है तो वन वन है तो कैंसल। अब देख सकते हो आप यहाँ पर वन वन तो वन वन, टू वन टू वन, थ्री वन थ्री वन, यानी जो कॉम्पोनेंट्स है उसी के कोफैक्टर साथ में मल्टी में है और सबका एडिशन क्या देगा आपको, उसका एक्सपांसन देगा। तो आपका आंसर मिलेगा डी ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर बहुत ही इजीली आपको यहाँ पर आंसर मिल जाता है। यानी ये फॉर्मूला ऐसा जरूरी नहीं, ये हुआ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी फर्स्ट कॉलम से एक्सपांसन किया हुआ है, यानी जो भी कॉलम या रो से बोले उसके हिसाब से उसकी फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। तो देखो स्टूडेंट्स, जो आपका सेकेंड कंसेप्ट था माइनर एंड कोफैक्टर्स पर डिपेंडेंट एक्सरसाइज 4.4 यहां पर कंप्लीट होती है।